भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है। मंडी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे, घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूत लक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो। अजीब स्थिति है इन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है। जब शराबबंदी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे, ऐसी घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, और जब सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूत लक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो। भूत लक्षी प्रभाव से 2016 से हमने कहा, उसके मालक हैं, सरकार के मालक होते हैं, राजकोष का खजाना है, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसके तयशुदा प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। चूंकि दलित और गरीब के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं तो उनको शराब के नशे में हिंदू धर्म का बचाव होगा, और अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं तो गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हिंदू मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनको मुआवजा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। और डरिए नहीं, अब क्या खोने के लिए सुशील मोदी जी आपके पास, अब तो कुछ खोने के लिए बचा हुआ नहीं है। हिम्मत करिए एक बार कि जो हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म के आप जिम्मेवार आदमी हैं तब आपको ये कहना होगा कि जो लोग विभिन्न राज्यों में, भाजपा शासित प्रदेश में जो हिंदू लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के आर्थिक पालन पोषण के लिए वहाँ की सरकार मुआवजा देगी। अरे मुआवजा आप क्या दीजिएगा, कोरोना जैसा, कोविड जैसा जब संकट आया था उस समय तो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया था 50 हजार में, और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया था, और यूपी में हिंदू सम्राट 1 लाख। आई बताइए तो, हिंदू सम्राट हैं और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको, तो विश्व गुरु बनता है शराब पिला करके। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।